सी बेसिकली आज आई थिंक वी आर फॉर द इवेंट फॉर मुश्किल और पिक्चर 9 अगस्त को रिलीज़ है। ये एक हॉरर जॉनर की फिल्म है। पिक्चर में रजनीश दुग्गल, कुणाल रॉय कपूर, नाजिया, शफाक, अर्चना और पूजा बिष्ट है जो कि मेन किरदार में है। पिक्चर का म्यूज़िक ऑलरेडी टॉप चार्ट में है, एक गाना ऑलरेडी हिट हो चुका है, दूसरा गाना हमने आज लॉन्च करे और उम्मीद है आप लोग सबको अच्छी लगेगी पिक्चर। ये एक हॉरर जॉनर की फिल्म है और हॉरर जॉनर मेरे हिसाब से सबको अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। आज की पार्टी जो हम सेकंड सॉन्ग लॉन्च करें नैना, ये बहुत प्यारा गाना है जिसे हमने बनारस में शूट किया था। रजनीश और पूजा पे गाना पिक्चराइजेशन है, उसके लिए आज ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई है और अभी आपको गाना भी अंदर सुनाया जाएगा। उम्मीद है आप लोग सबको गाना पसंद आएगा। ये थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शिवा, हाँ ये सब के So we are very excited. The movie is releasing on the 9th and I'm sure that you know the audience is going to accept it well. ये गाना रवि जी और मेरे लिए बहुत close है, very close to our heart, और I'm sure the audience is going to like it and आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और भगवान चाहे तो बहुत बड़ा हिट होगा और हम भी बहुत आगे निकलेंगे इस गाने से। मैं ये कहूँगा कि नकुल जी मेरे बेटे जैसे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। अब सारी दुनिया के सामने आ गए हैं, आज गाना लॉन्च हुआ है और आप लोग सब का सहयोग रहेगा तो गाना बहुत अच्छा जाएगा। हम तो सोचते हैं कि अवार्ड लेके आएंगे इस गाने के थ्रू, हम आप लोगों का साथ रहेगा और बहुत अच्छा गाना है। आप इसे आप लोग भी पर्सनली भी शेयर करें, लाइक करें और बाकी है सौ समंदर नैनों में तेरे डूबे हैं, इनमें सौ ख्वाब मेरे पलकों पे तेरी मेरी नींद सोवे, तेरे संग जागे मेरे सवेरे। कभी हौसलों को हवा दे, कभी फासलों को बढ़ा दे, दिल संभल नहीं पाता ऐसी चाल चलते हैं। नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। थैंक यू। Excited about this song. This is a wonderful song and very close to my heart. ये हमने बनारस में शूट किया था। काम काम राजू जी, वेरी गुड, काम कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। यू फिनिश इट आफ्टर नो इट्स ओके स्टार्ट नो प्रॉब्लम। या सो वी डिड दिस सॉन्ग इन बनारस स्पेशली बिकॉज़ इट दैट मोर द सॉन्ग गोस इन दैट एरिया, लाइक द फील इज देयर। Yeah, I'm too excited. What a chair. I'm waiting and let's see how it comes. But I'm very positive with this. Yeah. See, I think the film has shaped out well. I haven't seen the end product, but whatever I've seen, the VFX, the way the horror sequences have been worked out, toh bahut hi achhi aayi hain. And obviously, we've got superb support from our producer and the other actors and the whole technical team. We still have producer. 2 weeks to go, by the way. Producer bol diya pehle. And I think now this is the 2 week campaign that we're doing. I think on the whole, we obviously need all the media support. And yeah, we're looking forward to it. We've got superb music. We've got
three hit tracks, I would say. One is already, been catching up with the public. Aaj dusre gaane ki launch hai, so we're looking forward to that and hoping that the public loves it. This party is actually Ravinder ji wanted to do it for the second song launch, and ye ek bahut hi pyara gana hai, ye Banaras mein shoot kiya hua hai, and it's got a very unique Indian touch to it, very Indian romantic si feel hai isme. So how many screens? I think 400 single. No, I think Piyush the marketing guy would be able to, he knows better, tell you about. नमस्कार, मेरा नाम कुरुश देबू है. आप लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर रुस्तम पावरी से पहचानते हैं. राजीव रुइया सर के साथ मैंने तीन फिल्म की थी, माय फ्रेंड गणेशा 2, देन चोर बाजारी, देन जिंदगी 50-50. तो मेरे फेवरेट डायरेक्टर है. इनकी ये जो फिल्म है मुश्किल, हॉरर फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर जोनर की फिल्म उन्होंने बनाई है. आई विश the total unit cast and crew and Rajiv sir and also the producer to my best wishes for a super success of the film. Box office pe super kamyab ho aur itni mehnat aur itni lagan ke saath ye jo horror film banayi hai mushkil, mujhe ummeed hai ki wo box office pe kamyab hogi aur ek horror genre mein benchmark film hogi. Thank you. All the best. Well, I'm very excited. I'm very excited that about having a good time tonight. और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि लोगों को फाइनली ये फिल्म जिस पे हमने बहुत बहुत मेहनत की है विल फाइनली बी आउट ऑन द 9th of August. एंड आई थिंक कि जिन लोगों को हॉरर पसंद है उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा, और जिनको नहीं भी पसंद है उनको और कुछ देखने को मिलेगा. अलग अलग आई मीन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट रजनीश माई सेल्फ आर प्लेइंग फॉर वंडरफुली टैलेंटेड ब्यूटिफुल women who play very very interesting characters. So I'm very excited to be a part of the film, and I'm really happy that on the 9th the audiences will get to share it with us. आई थिंक कि पहली बार मुझे एक फ्लर्ट, आउटस्पोकन, लिटिल ब्रैश काइंड ऑफ कैरेक्टर जो एक गाइड है, एक
इज़ अ टूर ऑपरेटर, तो बहुत ही डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है ये, जो मैं मुझे पहली बार मौका है, और मुझे पहली बार ये भी मौका मिला है कि मैं एक लड़की को वादियों में रोमांस करने का मौका ये बहुत कम मिलता है मुझे, और ये भी मौका मिला मुझे इस फिल्म में, तो नौटंकीसाला में मुझे वो मौका ही नहीं मिला, वो होते होते रह गया, मगर इसमें फाइनली आई हैव गॉटन द चांस टू एक्चुअली सिंग आउट अ नाइस रोमांटिक सॉन्ग टू अ वंडरफुल लीडिंग लेडी, तो उसमें भी बहुत मज़ा है। नहीं स्टीमी इसमें आई वुडंट कॉल इट स्टीमी, मोस्टली इट्स मोस्टली अ लाइट रोमांटिक सॉन्ग, स्टीमी तो नहीं है, but it is a lot of fun, yeah. या दिस इज़ अ ग्रेट सॉन्ग, आई थिंक फिल्म के सारे गाने अच्छे हैं, तीनों गाने बहुत ही बढ़िया हैं, द सॉन्ग दैट आई एम इन एज वेल इज़ अ लवली सॉन्ग, ब्यूटिफुल लिरिक्स, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द वे इन विच द ऑडियंस हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द फर्स्ट सॉन्ग एज वेल, इट्स ऑलरेडी ट्रेंडिंग, इट्स डूइंग वेल, एंड आई होप द सेम हैपन्स विद द न्यू सॉन्ग टुडे एज वेल एज द वन कमिंग आउट आफ्टर दिस, थैंक यू। Ask who's asking? Yeah, it's my friend Rajneesh's film, and I'm here to wish him all the best. And it's supposed to be a horror, as it suggests, and it's coming out on the 9th of August. So, the best of luck to Rajneesh and the whole team from my side. And please go watch it. I hope it entertains you all, and you all have a good time. Of course, it's the first movie, so like you know, we are very excited, and it's really good experience to see your name all the time in channels and hoardings and all. So I think this dream come true, and Mr. Ravindraji Daria is like my uncle, and we associate together to start this big bat films, and this is our first product right now, and we are coming up 4-5 more, and I hope you guys support us like in next project as well. And I'm sure this movie will rock in the theaters, and I'm looking forward to meet you guys again for the successful party. It's very safe because we have limited audience for horror, and as we are a newcomer in the market, so we thought like you know to play a little safe side, so that is why we choose this movie. Thank you so much. I'm prepared for all this.
मैं सिर्फ आने तक प्रिपेयर थी. वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड बहुत मेहनत की है हमने और फाइनली इट्स आउट सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और बाकी एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग बिकॉज टीम में हम इट्स नॉट अ सिंगल टीम, मतलब एक दो लोग नहीं हैं, बट इट्स अ ह्यूज टीम. सो हम लोगों ने सेट पर भी एक्चुअली बहुत फन किया है और बहुत मज़े किए हैं. या एंड एक्साइटेड तो बहुत फील हो रहा है, बट साथ में नर्वस भी बहुत फील हो रहा है. जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है, देयर लाइज बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, आई एम फीलिंग दैट वेज. एंड होपफुली आज नैना नैना रिलीज हुआ है, आई होप एवरीबडी विल लव इट एंड पीपल विल लव द फिल्म एज वेल. या सभी बहुत कोऑपरेटिव थे. जब भी हमने शूट किया तो लाइक इतनी ज़्यादा वेदर में प्रॉब्लम थी, पर फिर भी लाइक प्रोडक्शन वॉज वेरी हेल्पफुल, सबको बहुत कंफर्टेबल फील करवाया. एंड ऑफकोर्स लाइक आर को एक्टर्स, रजनीश हो गया, कुणाल हो गया, सब ने बहुत अच्छे से बहुत फ्रेंडली नेचर था सबका. एंड इट वॉज लाइक यूर इन अ पिकनिक, बट आप साथ में काम कर रहे हो पिकनिक के. एक्चुअली बहुत हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ हम लोग आउट ऑफ इंडिया थे और हम बहुत ठंड थी वहाँ पे, और फिर भी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है. वो एक महीना कहाँ गया है ना, हमें पता नहीं चला. एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, इट वॉज फन. एंड आई मीन हम जब भी मिलते हैं चार पांच लोग हमेशा इन्जॉय ही करते हैं. सो यार नाइस, थैंक यू. Sorry, waited long. Yeah, sure. So, Nazia, film बहुत ही जल्दी release होने वाली है. आज जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आए हैं. कितने excited, nervous? मैं बहुत excited हूँ, nervous नहीं हूँ. मैं कभी नर्वस नहीं होती, एक्साइटेड बहुत हूँ. यू नो फर्स्ट हॉरर फिल्म एंड ऑल दैट, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. तो अब तक किसी ने फिल्म देखी है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? सो फास्ट आई मीन पॉजिटिव ही आ रहा है. दे सेइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग दिख रहा है इसमें, इफेक्ट्स आर गुड, और बोल रहे कि डर लग रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू अचीव, कि लोगों को डर लगे. तो जितने भी लोगों ने देखी है फिल्म, उन्होंने उनको बहुत डर लगा है. तो आप बताइए, द थिंग इज दैट नाउ हमने तो सॉन्ग करके लॉन्च कर दिया है, आप लोगों से पता चलेगा ना. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द व्यूअर्स टू सेंड इन देयर फीडबैक. सो फार बहुत सारे हमें लाइक्स और व्यूज मिले हैं, तो आई लाइक टू से थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर लाइकिंग इट. एंड रेडियो भी काफ़ी बज रहा है. इस फिल्म का स्पेशली म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो क्या लगता है कितना बूस्ट करेगा म्यूजिक फिल्म के बिजनेस को? Music is the biggest part of Indian cinema, I think, in every way. तो हमारे बहुत से beautifully picturized romantic songs हैं and all that. And I'm really, locations brand new है, you know, I mean it's very beautiful. कुछ नया देखने मिल रहा है. Greece की mountains में हमने shoot किया है, तो I am 100% sure that everybody is going to like it. So how was your journey? How was your experience? My experience, it was a breeze actually. It was a lot of fun to be working. This team is puri jo hamari team hai, sari ladkiyan and all that, khub masti kho rahe hain. To I mean we had a lot of fun. Wahan pe barf pad raha tha, to you know it was like a holiday also at the same time. And my director Rajiv Ruya is a star, aur hamare jo producers bhi the, they were always hands on taking care of us. To actually ye picture ek aisi gayi hai के जस्ट वेंट लाइक अ कम्प्लीट हॉलीडे, एंड दैट वाज द पॉइंट ऑफ द फिल्म. सो संजय दत्त जी को फिल्म दिखाने का कोई प्लान है अगर? आई एम श्योर इवेंचुअली वो देखेंगे. पहले तो फिलहाल दर्शकों को दिखाने का प्लान है, उसके लिए मैं बहुत
एक्साइटमेंट में हूँ. 9th August बहुत जल्दी आने वाला है, तो आई मीन राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दैट. ओके, लास्टली क्या यूएसपी होगी, ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए? ऑडियंस को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि हमने एक बहुत ही स्पूकी, वेरी स्पूकी हॉरर पिक्चर दिखाई है. एंड इसमें इफेक्ट्स आर समथिंग जो ब्रांड न्यू है, जो आपने शायद देखे नहीं होंगे पहले, तो दिल बी समथिंग न्यू. देर इज़ अ न्यू न्यू फ्लेवर फॉर द ऑडियंसिस इन द हॉरर जॉनर, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मैं तो गिरती फिरती रहती हूँ. बेस्ट विशेज ये है कि मेरा सबसे पहली बात कि रजनीश इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, और बिग बैड फिल्म्स मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं ना फैमिली वंगू हैं. सरोज भाजी, दरिया साहब बड़े क्लोज, और मैं बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस फिल्म सुपर डुपर हिट हो. आपने एक सॉन्ग भी किया है इन लोगों के साथ, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत 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 मज़ेदार एक्सपीरियंस है. बड़े घेंट बंदे हैं. मैंने पता नहीं सी जाते मैं काम नहीं सी किया ना, बट हूँ मैं काम कर लिया है, तो आई एम श्योर के बहुत ज़्यादा वड्डी कंपनी होने वाली है आने वाले दिनों. आगे कोई प्लान है? बहुत सारे सीक्रेट प्लान हैं हम लोगों के, अगे बहुत सारे प्लान हैं, बट हाले तो सिर्फ आज सिर्फ फिल्म की गल करिए. आज मैं सिर्फ फिल्म को सपोर्ट करना है, दरिया साहब को सपोर्ट करना है, अपने भरा रजनीश को सपोर्ट करना है, सरोज वीर को सपोर्ट करना है, तो अगला जो जो आप गाना रिलीज़ करेंगे फिर तुम सारा कुछ दसागे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मैम लुक सेंटर, लुक गया मैम. Mushkil. I hope it will do well. Go and watch it. It's releasing on the 9th of August. Thank you. Thanks.